रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं काजी हाफिज मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ खसवा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त अंबरपेट पटेल बाड़े के इलाके में हूँ। यहाँ पर अंबरपेट में कालेरू वेंकटेश साहब जो बेहतरीन स्कीमात फराहम करे हैं, चलिए हम यहाँ पर जानते हैं इनको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। आप बताइए कि आप यहाँ पर आपको पेंशन आ रहा है? जी हाँ आ रहा। कब से आ रहा पेंशन आपको? पेंशन 10 साल से आ रहा मेरे को, 2014 से। जी पहले 1000 रुपए था, उसके बाद 2000 आ रहे। अच्छा, इसके अलावा अंबरपेट में एमएलए साहब कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। और किसको डालेंगे आप? कार कुछ डालेंगे, कार कुछ डालेंगे, खा रहे उनका डालेंगे उन कुछ हम। हमारे को पूरा भरोसा है, हमारे को घर नहीं आया, एमएलए साहब के ऊपर पूरा भरोसा है हमारे, हमारे तरफ ख्याल करेंगे। चलिए नाजरीन, और एक मोहतरमा के बाद चलते हैं। आपको केसीआर हुकूमत की तरफ से क्या फायदा पहुंचा? मेरे को डबल बेडरूम आया, पेंशन है मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह हर भी काम बराबर हो रहा। मैं सब में बड़ी बात कब्रिस्तान आया, वो बहुत बड़ी बात है। कब्रिस्तान के वास्ते हम जितने भी माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनका शुक्र अदा करते हैं केसीआर साहब का, और पूरे मिलके हर डोर टू डोर जाके हम लोग बराबर काम करके उनको जिताएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर पूरे अंबरपेट में जो एमएलए साहब जो काम कर रहे हैं, मशीनों के ताल्लुक से आप मशीन आई आपको? मशीन तो हमारे भाई बहन को आई अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन लोगों को आए, थोड़े लोग नहीं आए बोल के नाराज़ है, लेकिन फिर एमएलए साहब को जिता के हम लड़के बराबर हर स्कीम उनगन से लड़के लेंगे, हमारा हक है लड़ने का, हम उनको जिता के बराबर लेंगे भाई, लड़ेंगे उनके जेब से तो भी दिलाते, हमारे स्कीम नहीं आई तो भी उन्होंने दिलाते भाई हम लड़ेंगे। अब हमारे सामने कई लोगों को दिए उन्होंने, कई लोगों को मदद करे, कई लोगों को शादियाँ है बोले तो दिए, कुछ भी बीमार है बोल तो दिए, हर चीज़ कर रहे हो उन्होंने, अपने जेब से जब का जब निकाल के दे रहे हो उन्होंने। ऐसा एमएलए कहीं भी नहीं मिला और आया भी नहीं। अब बहुत लोग बोल रहे भाई इनो वो करे इनो करे, पेंशन नहीं आई वो नहीं आई, कई लोगों को पेंशन आई, कितने की लोगों को पेंशन आई, कितने की लोग घर पर सच सर परसों मर गए थे, लोगों को भी घर बैठे आके 50,000 रुपये दे के गए एमएलए साहब, हर काम कर रहे, क्या कहीं को नहीं डालना भाई, उनको ही डालेंगे हम आजकल आके, इनको डालो उनको डालो बोले तो कहीं को डालेंगे भाई, जिसका खा रहे उसका गएंगे बराबर। हमारा 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 ईमान ऐसा नहीं है कि जिसी को जिसका खा रहे उसका बराबर करते, हमारा को भी अल्लाह को जवाब देना है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिता के रहेंगे, हम खुद जाके हर डोर टू डोर जाके बोल रहे हमारे माइनॉरिटीज के लोगों को बाहर निकलो, आप वोट डालो, आपका हक है वोट डालने का, बराबर डालिए आप वोट, कालर कालर साहब को डालो, जिताओ उनको, फिर अपन जो भी काम है लेंगे, अब नाराज होने की कुछ भी नहीं है, नसीब में जो है उन लोगों को बराबर, घर भी आया, मशीन भी आई, लोन भी आया, और वो क्या है स्कीम भी आई हो, शादी मुबारक भी आई थोड़े लोगों को, अब निहाय से वाले नसीब की बात है। कब्रिस्तान दिए कौन एमएलए दिए बोलो, 10-10 साल 12-12 साल 15-15 साल एमएलए रह के भी कुछ दिए नहीं हमारे गलियों को, कुछ करे नहीं, अब हमारे को कब्रिस्तान आया, हमारे को बहुत बड़ी मेहरबानी है केसीआर साहब की भी और हमारे एमएलए साहब की भी मेहरबानी। नाजरीन माशाल्लाह बेहतरीन एमएलए साहब की कारगुजारी है यहाँ पर। चलिए और एक मोहतरमा के पास चलते हैं, एमएलए साहब के बारे में क्या क्या फ़ायदे हुए हुकूमत की तरफ से आपको? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं यहाँ की कार्यकर्ता हूँ कार्य वेंकटेश साहब की, और शुक्रगुजार हूँ कार्य वेंकटेश साहब की और केटीआर साहब की और केसीआर साहब की, और केटीआर साहब और क्या और जो केटीआर साहब है जो बच्चों के स्कूल को जाके बच्चों की कैफियत लेते और साल को साल केक काटते बच्चों के साथ, ये बहुत अच्छा काम है, और केसीआर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे माँ बाप भी नहीं करते ऐसा, इतना हिम्मत दे के बच्चों को सबको सारे लोगों को डबल बेडरूम आ दे रहे हैं गरीब लोगों को, हम किराए बन बन के हम परेशान हो जा रहे थे, अल्लाह उनको सेहत दे मालिक, और तीनों को ये काल वेंकटेश साहब को और जो है सो केटीआर साहब को और केसीआर साहब को इनको सेहत दे, और ये कार्यकर्ता जितने भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम सिराजुन्निसा है, मैं बात कर रही हूँ अंबरपेट सीपीएल मस्जिद के पास से बात कर रही हूँ पटेलवाड़े से, और काल वेंकटेश साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, और केटीआर साहब भी बहुत बड़े हैं इसके अंदर, और केसीआर साहब भी बहुत बड़े हैं जो बसों में आदमियों को ले जाकर डबल बेडरूम दिला रहे हैं, और बड़े माँ मेरे भा मेरे बहना और सारे लोग बहुत खुश है केटीआर साहब से और केसीआर साहब से और काल वेंकटेश साहब से भी, हम लोग इधर से अंबरपेट डिजीलैंड से हम भी खुश है, बहुत खुश है हम भी,
और जो है सो केसीआर साहब के तरफ से जो मिशना अलाट हुए हैं, केटीआर साहब लाके डोर डोर करके हम लोगों को बुला के जो मिशना दिए हैं, काल वेंकटेश साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम, उनके कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो है सो आगे चल के फ्यूचर में भी अभी बहुत कुछ करने वाले हैं, और हम लोगों को डबल बेडरूम नहीं आया इसलिए भी हम परेशान नहीं हैं, हम खुश हैं। हमारे माँ बहनों को मिले हैं डबल बेडरूम किराए बनते हुए, मेरे भी घर का 8,000 किराया है, मैं भी किराए के मुताबिक जी रही हूँ, और मेरे 5 बच्चे हैं और मैं हूँ, और मैं वीडियो पिंचिन है मेरा, और जो है सो मैं बेवा आदमी हूँ, मैं पाल रही हूँ मेरे बच्चों को, लेकिन फिर भी मैं गिला शिकवा नहीं कर रही हूँ केटीआर साहब से, ना केसीआर साहब से और ना काल वेंकटेश साहब से। मैं इन लोगों को सबको घर मिले मैं बस यही खुशी मना रही हूँ, उन लोगों के साथ मैं भी खुश हूँ, और जितने भी माँ बहनों को घर मिले हैं अल्लाह उनको राहत दे, परवरदिगार और खुशियाँ नसीब करे, और केटीआर साहब को भी और केसीआर साहब को भी, काल वेंकटेश साहब को भी। और जो शादी मुबारक की कार्रवाइयाँ करे हैं वो शादी मुबारक का भी मेरे को आया है, और मशीन का जो कार्रवाई करे हैं वो मशीन भी आया है मेरे को, और जितने भी मेरे बच्चे स्कॉलरशिप में हैं मेरे बच्चे, स्कॉलरशिप भी आई है। और एक बीजेपी के तरफ से ज़रा झगड़ा हुआ था मेरा, जो मरने के बाद कोरोना के लोगों को लाके इसमें डालते बोल के जो मेरे साथ बहस हुई थी, तो मैं ऐसी मीडिया में वालों से बात करी थी, नहीं ला के डालना, हम भी मासूम जाना है यहाँ पर बोल के, हम झगड़ा करने से मेरे बच्चों को 9 क्लास तक पढ़ा के मेरे बच्चों के फ्यूचर ख़राब कर दिए ये लोग बीजेपी वाले। और लगोटिया स्कूल है वो, मैं इससे भी पहले भी शिकायत करी थी और अभी भी शिकायत करूँगी, जब तक मैं बेवा आदमी मेरे बच्चों को पाल ले रही थी, वो बच्चों को कुछ मुस्तकबिल बनेगा, बच्चे फ्यूचर में आगे पढ़ेंगे, मेरे बच्चे आगे बढ़ के कुछ मेरे मदद करेंगे बोल के सोची थी, लेकिन मेरे दम तक मेरे को जो है मेहनत करना पड़ रहा, और मैं मशीन चला के जी रही हूँ, अल्लाह मेरे को उसमें तरक्की दे रहा है परवरदिगार, मेरे 5 बच्चे तो पल जा रहे हैं, लेकिन जो दुश्मनी कर रहे हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे केटीआर साहब के साथ और केसीआर साहब के साथ और काल वेंकटेश साहब के साथ, दुश्मनी कर रहे हैं कभी अच्छे नहीं रहेंगे वो लोग, ये हमारी बदुआ है समझो। बस इन लोगों को जितने लोगों को जिताना है जीतेंगे, दुनिया वाले कुछ भी हो जान दो, कैसा भी कार आएंगी और कार ही आएंगी, क्योंकि बुरे वक्त में साथ हमारे असद अवैस साहब के साथ रहकर हमारा जो मुस्तकबिल देखे हैं, कोरोना में हमारा साथ दिए हैं, और हमारी दुआ कोरोना है 100 सालों से हम उनको दुआ दे रहे हैं और देते रहेंगे, मरे तक देते रहेंगे, हम भी देंगे, हमारे रिश्तेदार भी देंगे, हमारे अहले ख़ानदान भी उनको वोट डालेंगे।